बस वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले FFI6 फ्लाइट कंट्रोल, जिसे आप ड्रोन ट्रांसमीटर एंड रिसीवर भी बोल सकते हो गाइस, इसका अनबॉक्सिंग। और सबसे बड़ी बात यह है गाइस, तो ये आपको सबसे लो प्राइस में मिलने वाला है। आपको प्रूफ के साथ में इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। इस वीडियो में इस ट्रांसमीटर को हम टेस्ट भी करेंगे, आपको दिखा दूंगा ये कैसे वर्क करता है। तो वीडियो काफी छोटा है, वीडियो लास्ट तक देखिए, तभी आपको समझ में आ जाएंगे आपको ये ड्रोन ट्रांसमीटर लेना चाहिए या नहीं, और आपको कितने प्राइस में ये मिलने वाला है गाइस। जी हाँ, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मैं हूं प्रमोद और आप देख रहे हैं समर्थन टेक्निकल। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये ट्रांसमीटर काफी सस्ता है और काफी दिखने में स्टाइलिश है। आप देख ही सकते हो इसकी स्टाइल, इसका जो लुक है वो बहुत ही अच्छा है गाइज। और सबसे बड़ी बात, इसमें आपको कम पैसे में डिस्प्ले भी मिल जाता है। एक इससे सस्ता एक ड्रोन ट्रांसमीटर आता है गाइज, बट वो कुछ काम का नहीं। इस पर आप बहुत सारे प्रोजेक्ट कर सकते हो, ऐसा नहीं कि आप इसे ड्रोन के लिए ही यूज करो। इस पर आप बहुत सारे RC कार या तो RC बोट, बहुत सारे प्रोजेक्ट आप बना सकते हो इसके ऊपर। ये FSI6, इसमें अभी 6 चैनल है गाइज, और इसे आप अपग्रेड करके जो सिक्स चैनल है उसे आप 10 चैनल में कन्वर्ट कर सकते हो, और इसके 4 चैनल आप बढ़ा सकते हो पीछे के साइड से आप केबल अटैच करके, इसे PC से कनेक्ट कर इसे आप अपग्रेड भी कर सकते हो। चलिए अभी इसे हम टेस्ट करते हैं। ये हमारा ट्रांसमीटर, ये हमारा रिसीवर, और ये रहा बैटरी, और ये हमारे पास एक ब्रशलेस DC मोटर जो कि ड्रोन का है, और उसके बाद ESC मतलब इलेक्ट्रॉनिक स्पीड कंट्रोलर, ठीक है। तो ESC को तो मैंने ऑलरेडी कनेक्ट करके रखा है, ऐसा कुछ नहीं। इसका जो वायरिंग है वो आप कौन सा भी वायर कहाँ पर लगा सकते हो, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं, देख सकते हो। ये जो सेम कलर का वायर है ESC का, तो इसे आप जो ड्रोन का मोटर है उसके साथ कनेक्ट कर लेना। उसके बाद जो है ESC के दूसरे साइड में आपको यहाँ पर बैटरी कनेक्ट करना है, और रही जो दूसरी वायर है, ये वायर जाएंगे आपके रिसीवर के साथ कनेक्ट रहेंगे। ये जो हमारा ट्रांसमीटर है इसके अंदर 4 सेल लगाए गए, जो कि बैक साइड से आप देख सकते हो, इसके अंदर हमने 4 सेल लगाया पैनासोनिक का, ठीक है। तो चलिए अभी रिसीवर का वायर जो है वो कनेक्ट कर लेते हैं। तो ये ESC का हमारा जो वायर से देख सकते हो आप, जो रेड कलर का वायर है वो पॉजिटिव, और ब्लैक जो है वो आपका निगेटिव, और जो व्हाइट है वो सिग्नल का, ठीक है। ESC का जो व्हाइट कलर का वायर है वो ऊपर के साइड आना चाहिए, इस तरह से आपको कनेक्ट करना है, जो कि तीसरे चैनल में हम इसे कनेक्ट कर रहे हैं। चलिए इसे अभी कनेक्ट कर लिया, ठीक है। अभी ESC के साथ हम कनेक्ट करेंगे बैटरी,
जैसे आप बैटरी कनेक्ट करते हो गाइस, तो रिसीवर का आपको बीप सुनाई देगा। देख सकते हो हमारा रिसीवर जो है जो स्टार्ट हो चुका है। बस अभी हम जो हमारा ट्रांसमीटर है उसे ऑन कर लेंगे। तो सब स्विच पहले ऊपर कर लेना और ये नीचे देख सकते हैं हमारा ट्रांसमीटर और रिसीवर है ये कनेक्ट हो चुका है। तो अभी इसे हम टेस्ट करते हैं। चलिए अभी इस ट्रांसमीटर के हम प्राइस की भी बात कर लेते हैं। तो ये सबसे लो प्राइस में आपको मिलने वाला है, ओनली 4000 में आपको ये कंप्लीट मिलने वाला है। ट्रांसमीटर के साथ आपको रिसीवर भी मिलने वाला है जो कि 6 चैनल का है। और अगर आप इसे अमेजोन पर सर्च करते हो या तो फ्लिपकार्ट पर सर्च करते हो गाइस, तो आप देख लो इसका प्राइस कितना है, आपको भी पता चल जाएगा। ये आपको अमेजोन पर जो प्राइस दिखाएगा और मैंने जो बताया वो प्राइस, उन दोनों के प्राइस में कम से कम 1.5 से 2 हजार का डिफरेंस रहेगा गाइस। मतलब अमेजोन पर बहुत ही महंगा आपको ये मिलने वाला है, इससे अच्छा आप दूसरी जगह से खरीदो जहां पर आपको सस्ता मिल रहा है। तो आप अभी देख सकते हो आपको अमेजोन से खरीदना है या अदर जगह से, ठीक है। आपको भी अगर चाहिए तो मेरे पास आपको मिल जाएगा। स्क्रीन के ऊपर जो नंबर दिखाई दे रहा है आप कॉल करके ऑर्डर कर सकते हो, या तो फिर आपको जो भी कोई डिटेल्स लेना है वो आप डिटेल्स ले सकते हो। और बहुत ही जल्द इसके ऊपर हम प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं और इसका आपको रेंज भी मैं टेस्ट करके दिखाने वाला हूँ वीडियो के अंदर। वीडियो अगर पसंद आती तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसे नहीं दबाया गया तो दबा दीजिए, ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।